रोड न्यूक्लियस मॉल के समीप जेसीए झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा 21 दिसंबर 2020 को विरोध प्रदर्शन किया गया। जेसीए के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आदेश के अनुसार 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश पूरे राज्य में हो चुके हैं। फैसले को देखते हुए कोचिंग सेंटर खोलने की भी अनुमति दी जाए। जहां द अमेरिकन के डायरेक्टर राकेश कुमार सिंह ने कहा कि हमें असीम पीड़ा है कि सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है। इंस्टीट्यूट कब खुलना है, कैसे खुलना है, सरकार हमें नियम भी नहीं बता रही। सारे बाजार खुल चुके हैं लेकिन बस इंस्टीट्यूट नहीं खुल रहे हैं। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हैं क्योंकि हमें असीम पीड़ा है। पीड़ा इस बात से है कि सरकार हमारे बारे में सोचती भी नहीं है। हमें कब खोलना है, कैसे खोलना है, किस नियमों के तहत खोलना है, इसके बारे में हमारे बारे में सरकार कहीं कोई बात ही नहीं कर रही। सबसे बड़े दुख की यही बात है कि हमारे बारे में आप एक बार बात तो करो, हमें ये तो बताओ कि इस तारीख से नहीं, अगली तारीख से, या वो कब। सबसे पहले सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का मतलब केवल बड़े ब्रांड्स नहीं होते। 90% कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बहुत बड़े सफरर हैं। अभी के समय में 10% ही किसी तरह से अपना सर्वाइवल कर पाए हैं। तो अब बहुत देर हो गई, बहुत सारे कोविड नॉर्म्स के पालन हो गए और अभी भी इसका पालन करते हुए हम लोग अपने इंस्टीट्यूट को खोलें, हमारी जीविका चले। हमारे साथ साथ वो हॉस्टल्स वाले सारे पेरेंट्स एसोसिएशन, छात्र संघ सभी आना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के कहने पे, समझाने पर वो अभी पेशेंस में है। रीज़न यही है कि हमारी बात शायद सरकार को अच्छे से समझ में आएगी। टीचर्स की बात हर किसी को समझ में आती है, तो हमारी बात सरकार समझे। अब तक आप लोगों ने किन किन लोगों को अपनी विज्ञप्ति सौंपी है? अभी तक पिछले 9 महीने के अंदर हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी को अपनी विज्ञप्ति सोची है। मतलब उनसे 100 रुपए ही है पेमेंट के बिना, उनका 1 भी रुपया नहीं आ रहा है, कहीं उनका रूम रेंट ड्यू जा रहा है टीचर पेमेंट से। हमारे छोटे छोटे टीचर जो कोचिंग के सारे अपने घर गृहस्थी को चलाते थे, वो लोग सब एकदम कुछ नहीं चला पा रहे हैं अभी। अगर आज आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, इसके बाद में अगर राज्य सरकार आप लोग को अनुमति दे देती है, तो क्या क्या गाइडलाइंस आप लोग अपने तरफ से बच्चों के लिए रखेंगे? स्पष्ट शब्दों में कहना है, सरकार जो गाइडलाइन देगी कोचिंग अक्षरशः पालन करेगा। अगला कदम क्या होगा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ये सरकार सुनेगी और जिन मानकों के साथ देश भर में शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं उन मानकों से सरकार खोले और सभी रांची के कोचिंग इंस्टीट्यूट सरकार के गाइडलाइन मांगने के लिए उत्सुक, तत्पर, कटिबद्ध हैं। रैलियां इतनी हो रही हैं कि लोग भीड़ पे भीड़ आ रहे हैं। वहां कोरोना नहीं फैल रहा है, लेकिन जहां 10-25 स्टूडेंट आ जाएंगे वहां कोरोना फैल जाएगा। ये किस तरह का न्याय किया जा रहा है सरकार की तरफ से? क्या स्टूडेंट इतने बड़े नहीं हैं, बैंकिंग SSC UPSC का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं कर सकते हैं? मेरा बस सरकार से यही अनुरोध है कि थोड़ा सा दिमाग को खोले और सही डिसीजन दे, वो भी स्टूडेंट के हित में, पेरेंट्स के हित में और टीचर्स के हित में।